गाइस, कुंदन के ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम छोटा सा जस्टर दे रहे हैं कुंदन को अपना झारखंड घुमाने। इट इज फॉर आवर सेफ्टी, राइट? सेफ्टी के लिए। मैं बताती हूं, फाइनली हम लोग कुंदन से मिले। ही इज सच अ हार्ड वर्किंग पर्सन, आई मीन लाइक ही इज ट्रैवलिंग ऑल ओवर द इंडिया। ही इज सच अ टैलेंटेड पर्सन, इसको सपोर्ट करते रहो। और ये देखो, और ये हमारी चाय आ चुकी है। वेलकम वेलकम एक नए ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी मैं रांची में हूँ, ठीक है। और मेरे भाई लोग और दोस्त लोगों के रूम में, मैं दीदी के रूम में आया था कल, तो रांची में रुका। अभी ब्लॉग स्टार्ट मेरा आज हो रहा है 3 बजे से, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर और दीदी लोग बाहर पहुँच चुके हैं ऑलरेडी। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर, गाड़ी खड़ी है हमारी। तो चलो मिलते हैं, दीदी लोगों से भी मिलाते हैं। और अभी हम लोग दीदी रूम के कमरे में रुके थे सुबह से, मैंने टाइम नहीं मिला, सुबह लेट उठे। उसके बाद कपड़े धोने के बाद जस्ट अभी हम बाहर निकल रहे गेट से। कहाँ हैं दीदी लोग? हाँ, दीदी लोग आ गए हैं, गाड़ी आगे खड़ी है हमारी। तो हम लोग जा रहे हैं, ये मेरे दोस्त लोग, इनके साथ बहुत इन्जॉय कर रहे हैं यार, इन्जॉय करेंगे आज भी, बहुत मज़ा आने वाला है ये वाली ब्लॉग वीडियो में। तो फाइनली गाइज, मैं अभी बाहर आया हूँ और ब्लॉग अभी मैं आप लोगों को पता है 3 बजे से स्टार्ट हो रही है। ब्लॉग की स्टार्टिंग आज 3 बजे से हो रही है। क्यों 3 बजे? क्योंकि दीदी लोगों को रात को, दीदी लोग ऑनलाइन जॉब करते हैं तो इसलिए ऑफिस भी जाते हैं कभी कभी, फिर ज़्यादातर ऑनलाइन ही काम करते हैं। तो इसलिए दीदी लोगों को रात में हम लोग, मैं कल शाम को 4 बजे पहुँच गया था इधर, उसके बाद मैंने नहाया, उसके बाद सो गया था, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मैं उसके बाद रात में दीदी ने मेरे को जगाया 1 बजे के करीब, उसके बाद खाना खाया, फिर 3-4 बजे सोए, फिर सुबह उठा मैं 9 बजे, 9 बजे उठने के बाद मैंने कपड़े अपने धोए और उसके बाद अपना नहाया धोया एकदम मस्त तरीके से। उसके बाद हम लोग गए बाहर नाश्ता करने, भाई और मैं गए, तो दीदी लोग तो यहीं कमरे में थे, दीदी लोगों ने फिर उसके बाद हमको कमरे पहुंचने तक दीदी लोग रेडी हो गए थे बाहर जाने के लिए, क्योंकि दीदी लोग भी इसलिए बाहर जा रहे हैं क्योंकि मैं, मेरे को कुछ नया नया दिखाएंगे करके, तो इसीलिए हम लोग अभी बाहर आए हैं। तो ये जो पीछे बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को मेरे को, तो ये पागल खाना बोर्ड है, यहाँ पागल खाना है, पागल लोग होते हैं उनको रखा जाता है। कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर, सफर। फिलहाल गाइज हम लोग तो जा रहे हैं अभी इंजॉय करते हुए एकदम मस्त, और अभी दीदी लोगों से भी मिलाया, बहुत अच्छा लगा यार, दीदी लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की और बहुत जगह भी दिखा रहे हैं और यहाँ के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ कौन सी जगह कैसा है, कौन सी जगह कैसा है। तो अभी लेके जा रहे हैं, अभी हम गाड़ी से फुल इंजॉय करते हुए जा रहे हैं, तो अभी दीदी लोगों से भी मिलवाएंगे, अभी गाड़ी चला रही दीदी। तो अभी फिलहाल यहाँ तो एकदम प्रॉपर जंगली है, जैसे पहाड़ों में प्रॉपर जंगल रहता है तो वैसे जंगल लग रहा है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि हम पहाड़ों में ही घूम रहे हैं। मैंने नेक्स्ट वाले ब्लॉग में भी बताया था, इसलिए इससे पिछले वाले ब्लॉग में भी बताया था आप लोगों को कि जैसे जब मैं झारखंड में पहुँच रहा था तो रोड टेढ़ी वेढ़ी रोड थी ना, तो मैं कुमाऊँ गया, गढ़वाल हो गया, मतलब प्रॉपर पहाड़ में। तो आगे का सीन अब आप लोगों को दिखा दें, बहुत इंजॉय हो रहा है, बहुत मज़ा कर रहे हैं। पतरातू जा रहे हैं, घाटी एक तो जगह का नाम है, तो हम वहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए बहुत। तो फिलहाल गाइस अब आप लोगों को मैं दीदी से मिलवाने वाला हूँ, तो मेरे दीदी लोग ये रहे पीछे से। हाय एवरीवन, अपना मैं बताती हूँ, फाइनली हम लोग कुंदन से मिले। ही इज सच अ हार्ड वर्किंग पर्सन, आई मीन लाइक ही इज ट्रैवलिंग ऑल ओवर द इंडिया, वो पूरे इंडिया में ट्रैवल कर रहा है, एंड मतलब मैं इसके गट्स को मान गई, ही इज ट्रैवलिंग लाइक पैदल ही चल रहा है, लिफ्ट ले रहा है, और काफी अच्छा इनिशिएट है। एंड आई विश यू अ गुड लक कुंदन फ्रॉम माय साइड, और मैं विश करती हूं कि इंडिया के सारे लोग सपोर्ट करें इसे, ये दिखा कि ये ट्रैवल की जर्नी को और बेहतरीन बनाए और आसान बनाए। ओके, इतना सपोर्ट रहेगा ना सबका, तो बहुत सपोर्ट टीम गाइस, ये सपोर्ट करने लायक पर्सनालिटी, ही इज सच अ टैलेंटेड पर्सन, इसको सपोर्ट करते रहो। और ये देखो हमारी चाय आ चुकी है। बजे दे तू पहाड़ी गीत रे, आज मिल बे रम जम के नाच नुहा, ओ बंद कर दे परदेसी गीत रे, मी तो नाच नु बस पहाड़ी बीट मा। बजे दे तू पहाड़ी गीत रे, आज मिल बे रम जम के नाच नुहा, ओ बंद कर दे परदेसी गीत रे, मी तो
पहाड़ी बीट माँ यार दोस्त बा। तो फिलहाल गाइस हमारी गाड़ी यहाँ पार्क हो चुकी है और तो अभी हम लोग सारे उतर चुके हैं और यहाँ हम ऐसे डैम के बीच में आए हैं। तो आप मेरे सामने देखिए गाइस, ये चेक करो, हाय फुल पानी है, फुल एकदम मज़ा आ रहा है और फुल एंजॉय करेंगे। अगर दिन में आए होते तो और भी मज़ा आता। तो अभी हम लोग शाम को आए हैं तो अभी भी बहुत मज़ा आ रहा है दीदी लोगों के साथ। और दीदी लोगों के साथ अब रील हिल भी बना रखे हमने और रील भी डालेंगे। और जिसने मेरे को इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करो, और इंस्टाग्राम में जिसने इंस्टाग्राम अकाउंट पता नहीं है तो ये नीचे इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा है, तो जाके मेरे को फॉलो करो और ना। और तो बहुत इंजॉय यार, बहुत इंजॉय आ रहा है दीदी लोगों के साथ, बहुत मज़ा किया, बहुत इंजॉय करेंगे। और कल को भी हम घूमने चलेंगे, आज ही आज नहीं, आज कल को भी घूमने चलेंगे। और तो एक बार फिलहाल इनमें चलते हैं घूमने के लिए। गाइस कुंदन के ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम छोटा सा जस्ट दे रहे हैं कुंदन को अपना झारखंड घुमा के, जो खंड है उत्तराखंड का बहुत ही छोटा सा हिस्सा और बहुत ही प्यारा सा हिस्सा। तो मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आई हूँ पतरातू घाटी, और जो बहुत ही प्यारा है। गाइज अब हम लेंगे बोट का मज़ा और आपको दिखाएंगे डैम की डीपनेस और ब्यूटी। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की ओर, और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ने से पहले हमको कुछ सीढ़ियाँ दिखी हैं यहाँ से जाने के लिए। और ये देख सकते हैं, ये चेक करो भाई साहब, ये क्या चीज़ का बना रखे। हो हो देख के ब्रो, ये नीचे को दब रहा है तो डर लग रहा है। और तो ये मेरे दीदी लोग रहे हैं। तो गाइस अब इसको ये जान बोर्ड के अंदर जाने से पहले तो इसको लगाया जाता है, और दीदी मेरे लगा रहे हैं। इट इज फॉर आवर सेफ्टी, राइट, सेफ्टी के लिए। हाँ ये सेफ्टी के लिए है। ऑल सेट टू गो। और ये सेफ्टी हो चुकी है हमारी, तीनों लगा, तीनों एक और होगा, एक और स्लॉट होगा, ये देखो ये। उसके बाद अब भूल गया, और ले चलते हैं आप लोग, और आप लोग सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर, रास्तों से मेरी गहरी आ
गाइस यार कभी सोचा नहीं था कि ऐसे करके मतलब इस सारे यात्रा में ऐसे करके घूमेंगे और बहुत मज़ा आया दीदी लोगों के साथ यार। दीदी लोगों ने मेरे को बहुत चीज़ें दिखाई, बहुत चीज़ें घुमाई और कैसे कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अगर भारत यात्रा में नहीं होता नहीं इतनी चीज़ें समझ नहीं आता, इतनी चीज़ें नहीं देख पाता मैं पता है आज, और कितने लोगों से नहीं मिल पाता और इतना एक्सपीरियंस आता भी नहीं मेरे को कि मैं ऐसे करके घूमूंगा अगर एक घंटे लगे तो। गाइस बहुत इन्जॉय किया है यार, बहुत ये पल हमेशा याद रहेगा कि ऐसे करके मतलब जब आगे को मैं कभी भी अगर दोबारा बैठूंगा ना ये बोट में तो हमेशा याद रहेगा कि पहली बार किन के साथ बैठा था करके और किन के साथ इन्जॉय किया था करके, वो याद हमेशा रहेगा मतलब जब भी अगर दोबारा कभी बैठेंगे अगर दोबारा। अभी तो चलो कोई बात नहीं, भारत यात्रा में इतना सफ़र कर लिया है, इतने लोगों से मिल गया, नए नए लोगों से मिला और लोगों ने हेल्प भी की है और दीदी लोगों के साथ इतना इन्जॉय किया। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है, तो अब हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना जरूरी है क्योंकि अभी बंद हो जाएगा ना, ये कितने बजे होगा बस हो जाएगा थोड़ी देर। हाँ तो गाइस जब अंधेरा होने लग गया अब हम लोग निकल रहे हैं वापस।